बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर आज एमसीडी की स्थायी समिति का उपचुनाव होना है। एक खाली सीट के लिए उपचुनाव कल होना था लेकिन कल नहीं हो पाया। एलजी ने आज दोपहर 1 बजे चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। दरअसल कल जब एमसीडी की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्षदों की तलाशी के मुद्दे पर हंगामा हो गया। पार्षदों को मोबाइल ले जाने से रोका जा रहा था। इस पर मेयर शैली ओबेरॉय ने सदन की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। एलजी का फरमान आया कि रात 10 बजे तक चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन मेयर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 5 अक्टूबर से पहले कोई भी चुनाव गैर कानूनी होगा। और बाद में फिर एलजी ने आज की तारीख तय कर दी। मुझे लगता है जब से नगर निगम बना है इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ होगा कि माननीय सदस्यों की फिजिकल फ्रिस्किंग हो रही है। सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक ने उनको बड़ी उम्मीदों से चुनकर सदन में भेजा है, सदन के मेंबर है, तो एक तरह से उनकी डिग्निटी और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है और कहीं ना कहीं फ्रीडम को भी। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आदेश देती हूँ म्युनिसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब को कि सबकी एंट्री कराएं और इस प्रकार से हम किसी भी माननीय सदस्य का अपमान ना करें। 15-20 मिनट के लिए मैं हाउस को एडजर्न करती हूँ, सभी की एंट्री बिना फिजिकल चेकिंग के अंदर की जाए। धन्यवाद। एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। देर शाम आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मेयर ने ही सदन की कार्यवाही 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी और कई पार्षद दिल्ली से दूर जा चुके हैं, तब चुनाव कराने का आदेश क्यों दिया गया। मेयर कह चुकी है कि पूरे दिन हंगामा होता रहा। मेयर कहते हैं कि अब अगली बैठक 5 तारीख को होगी, सारे पार्षद जा चुके हैं, लेकिन एलजी साहब अमेरिका से या जिस देश में भी हों, दुनिया के घूम रहे हैं कहीं, वहां से कमिश्नर को आदेश देते हैं कि रात को 10 बजे से पहले पहले नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव संपन्न करा दीजिए, मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, डिप्टी मेयर भी ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर की अध्यक्षता में करा दीजिए। क्या आफत आ गई भाई, रात को 10 बजे जब 4 बजे 4:30 बजे सदन स्थगित हुआ है अगली 1 तारीख के लिए, आप आदेश दे रहे हो कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दो। पार्षद अपने अपने घर चले गए, मेयर अनाउंस कर चुकी है कि अगली तारीख 5 तारीख है बैठक की। उधर बीजेपी ने चुनाव टालने के मेयर के फैसले पर सवाल खड़े किए। स्थायी समिति का गठन होता तो एक दलित मेयर चुना जाता, और ये दलित विरोधी पार्टी किसी भी कारण से ऐसे दलितों का हक छीन रही है। आज जो दलित मेयर अप्रैल में बन जाना चाहिए था, आज हम अक्टूबर में आ गए, सितंबर खत्म हो गया। इनकी हट धर्मिता के कारण और इनकी जिद के कारण वो दलित मेयर नहीं बन पाया है। और एक कारण बता दें, अरविंद केजरीवाल बता दें, मनीष सिसोदिया बता दें, या और कोई जो इनका नेता है, कि आखिर आज चुनाव ना कराने का कारण क्या है, उसका कारण बता दें। सिर्फ इतना कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, हमारे पार्षदों ने भी मोबाइल बाहर रख दिया, हमारी महिला पार्षदों ने अपने बैग बाहर रख दिए, तो आपको मोबाइल ले जाने की ऐसी क्या उत्सुकता है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो मेयर शैली ओबेरॉय ने फैसला लिया 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, किस लिहाज से ये सही ठहराया जा सकता है, क्या जानबूझकर चुनाव को टालने की कोशिश की गई? नेहा देखिए, पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मेंबर्स जो थे, यानी कि काउंसलर्स जो थे, उनकी फ्रिस्किंग हो रही थी वोटिंग के लिए हाउस में घुसने से पहले। इसका विरोध आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने किया, पार्षदों ने किया, और उसके बाद हाउस में बवाल हुआ। दोनों तरफ के पार्षदों की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हुई और लगातार मेयर यही कहती रही कि इस तरह से आप फ्रिस्किंग नहीं कर सकते हैं, प्राइवेसी का हनन है, वो जो डेकोरम है, डिग्निटी है काउंसलर्स की, उसका हनन है। और उसके बाद फिर 5 तारीख के लिए अगली डेट अनाउंस कर दी गई, और फिर वो पूरा का पूरा ड्रामा आप कह सकते हैं अनफोल्ड हुआ कि पहले एलजी कहते हैं, फरमान जारी होता है कि रात को 10 बजे तक चुनाव कराया जाए, मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आज की नई तारीख लगती है। कुल मिला के देखिए इसमें होगा क्या, अगर आप टेक्निकलिटीज को समझे नेहा, मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है, लेकिन फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं ये 50-50% के चांसेस इस वक्त बन रहे हैं कि हो सकता है कि स्टैंडिंग कमिटी में बीजेपी को बहुमत मिल जाए, और अगर बीजेपी को बहुमत स्टैंडिंग कमिटी में मिलता है तो एक तरह से स्थिति हो जाएगी कि मेयर भले ही आम आदमी पार्टी का हो लेकिन एमसीडी के अंदर सत्ता बीजेपी की चलेगी, क्योंकि जोनल लेवल पे यही वो स्टैंडिंग कमिटी होती है
जिसके थ्रू सारे बड़े बजट, बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एमसीडी में, वो दिल्ली के अंदर लागू कराए जाते हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल पावर वाली कमेटी है, वहां पे बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो भले ही आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, दिल्ली में एमसीडी चलाने की एक तरह से कमान बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। और आप आंकड़े अपने जो है बिल्कुल फिट बिठाना चाहते हैं, क्योंकि जब 50-50% का हिसाब बन रहा हो तो ऐसे में आप अपने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक तरफ वो कोशिश कर रही है कि उनकी सत्ता स्टैंडिंग कमेटी में भी बरकरार रहे, बीजेपी अंदर खाने चोट करने की कोशिश कर रही है। और इसी अभियान के तहत उन्होंने फिलहाल कई सारे पार्षदों को आम आदमी पार्टी के तोड़ लिया है। अभी पिछले दिनों 3 नए जो पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उनको भी बीजेपी ने तोड़ने में सफल रही थी। यानी कि बीजेपी का आंकड़ा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के पहले बढ़ रहा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।